अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ जमीला। और मैं हूँ जमशेद। सलाम बच्चों, कोरोना के वक्त में याद रखना, अब एहतियात और भी ज्यादा। बिल्कुल, इसीलिए हमने अपने फील्ड रिपोर्टर मुजी मारखोर को मेडिकल खबरें ढूंढने भेजा है। तो मुजी की कहानी मुजी की जुबानी सुनते हैं। मुजी, आप कहाँ आए हुए हो? हेलो जमशेद, मैं पाकिस्तान मॉन्यूमेंट आया हूँ आज। अच्छा, ये तो बड़ा खास मॉन्यूमेंट है, लेकिन आप इस्लामाबाद तक गए हो इसको विजिट करने, क्यों मुजी? जमीला बाजी, मुश्किल वक्तों में मैं यहाँ आता हूँ। कोरोना वायरस का वक्त बहुत ही मुश्किल है। इस मॉन्यूमेंट के पत्ते हमारे मुल्क के सूबों और टेरिटरीज की नुमाइंदगी करते हैं। ये पत्ते हमारे झंडे के चांद और सितारे की हिफाजत करते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है मुझे, लेकिन मेडिकल खबर से क्या ताल्लुक? इसका ताल्लुक डॉक्टरों, नर्सेस और मेडिकल स्टाफ से है। ये हीरोज इन पत्तों की तरह हमारे मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं और अपने आप को बहुत खतरा पहुंचा रहे हैं। 11,000 से ज्यादा मेडिकल स्टाफ को कोरोना हुआ है। ये तो बहुत सीरियस बात है मुजी, हम इनकी मदद करने के लिए क्या कर सकते हैं? वो तो आपको डॉक्टर मुजी बताएगा। डॉक्टर मुजी जी, मैं आ गया हूँ। अब हम इस मसले को एक्सरे करते हैं। एक्सरे? ये कोई हड्डियों का मसला तो नहीं है, इसका एक्सरे कैसे करेंगे? ये मशीन कहाँ से आई है? ओफ़ो, आपकी मेडिकल डिग्री है या मेरी? हम दोनों की ही नहीं है। एक्सरे मशीन इस तरह नहीं चलती। लेकिन चल तो गई है। मुझे इस एक्सरे से क्या पता लगा है? डॉक्टरों को कोरोना वायरस से ऐसे ही बचाया जा सकता है कि हम मुकम्मल तौर पे वायरस कंट्रोल कर लें। जितने कम मरीज, उतना ही कम खतरा स्टाफ को। पाकिस्तान में वैक्सीन आने वाली है, लेकिन उससे पहले एहतियात और भी ज्यादा। और इस वायरस को कंट्रोल करने का तरीका? मास्क पहने, मुझे 6 फुट का फासला रखें, यस मुझे हाथों की सफाई को ध्यान दें, और गैर जरूरी मुलाकातें खत्म करें। शादियों के फंक्शन इतने जरूरी नहीं कि हम पाकिस्तानियों को खतरा पहुंचाएं। अब मैं चलता हूं, एक लिवर हार्ट स्विच सर्जरी करनी है। ओ आउच, कोई डॉक्टर को बुलाए। आप खुद ही डॉक्टर नहीं हो? अफसोस होता है, जेलस होने का तो कोई इलाज नहीं है। मुझे